अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक न्यू ऑनलाइन अर्निंग वेबसाइट शेयर करने जा रहा हूँ। इस वेबसाइट से आप बिल्कुल फ्री में अर्निंग कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट करके आप अर्निंग कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना, स्किप नहीं करना। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को शुरू कर। सो प्यारे फ्रेंड्स, ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फर्स्टली आपने यहाँ पर साइन अप करना है। तो साइन अप करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मेरा यहाँ पर आपने जीमेल आपने लगानी है, और उसके बाद नीचे आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने मोबाइल नंबर लगाना है, और यहाँ पर इंटर योर लॉगिन पासवर्ड, और नीचे यहाँ पर मेरा इनवाइट कोड आएगा, और उसके बाद नीचे आपने साइन अप पर क्लिक कर देना है। तो मैं जस्ट यहाँ पर इनवाइट कोड लगा लेता हूँ, और उसके बाद ये जो फॉर्म है इसे फिल करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा इनवाइट कोड आ चुका है, और मेरे पास एक ऑलरेडी भी अकाउंट है। कैसे, मैं आपको बताने के लिए कह रहा हूँ कि आपने अकाउंट किस तरह बनाना है। यहाँ पर मैं एक मेल लगाता हूँ। तो मेल लगाने के बाद हम अगेन अकाउंट ओपन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम मेल लगाते हैं अपना एक, ये हमने मेल लगाई, और मेल लगाने के बाद हमने क्या करना है, सॉरी ये मेल ऐड हो चुकी है, और नेक्स्ट डॉट कॉम, और इसके बाद हमने फ़ोन नंबर लगाना है। तो यहाँ पर हम एक फ़ोन नंबर लगा देते हैं, और यहाँ पर हमने फ़ोन नंबर लगाया, ये हम फर्जी फ़ोन नंबर लगा रहे हैं, आपने इस पर कॉल वगैरह नहीं करनी। और यहाँ पर हम एक पासवर्ड साइन अप पर क्लिक करते हैं। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर ये जो फात वाली जीरो है ये आपने नहीं लगानी, और साइन अप पर क्लिक कर देना है। कैसे आप साइन अप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका अकाउंट बन जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास 2 TRX हो चुके हैं, हमें यहाँ पर 2 TRX बोनस मिला है। और यहाँ पर नीचे आपको इन्वेस्टमेंट दिखाई जाएगी, और यहाँ पर ट्रांजेक्शन डिटेल, और यहाँ पर आपको ऑनलाइन कस्टमर का ऑप्शन मिल जाता है, ऑनलाइन सर्विस का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप डायरेक्टली रब्ता इनसे कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने अकाउंट सेटिंग करनी है, तो यहाँ पर आपने अकाउंट सेटिंग में आना है, और यहाँ पर आपको फर्स्टली जो ऑप्शन मिला है नॉट वेरीफिकेशन, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको टू वेरीफाई पर क्लिक करना है, और सेंड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेंड पर क्लिक करेंगे, जो आप मेल लगाएंगे उस मेल पर आपको एक कोड रिसीव होगा, ठीक है। वो कोड आपने यहाँ पर पेस्ट करना है, और कंफर्म पर क्लिक कर देना है। मैंने आपको पहले बताया कि ये मैं जो अकाउंट बना रहा हूँ ये मैं फर्जी बना रहा हूँ, मेरा जो ऑलरेडी एक अकाउंट है वो वेरीफाइड है। तो अगर आपका आपको मेल रिसीव नहीं होती तो आपने कस्टमर सर्विस के जरिए उन्हें बताना है, वो आपकी मेल जो है वो वेरीफाई कर देंगे, ठीक है। तो बैक आ चुका हूँ, यहाँ पर नीचे आपको वैलिड मैनेज का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप वैलिड मैनेज कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है, सॉरी यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन मिलता है लैंग्वेज का, आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं, लॉगिन पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, पेमेंट पासवर्ड आपने ऐड करना है। आपने अगेन उसी तरह यहाँ पर सेंड पर क्लिक करना है। जैसे ही सेंड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं प्लीज़ कंप्लीट वेरीफिकेशन फर्स्ट। तो यहाँ पर आपने वेरीफाई कोड डालना है, और यहाँ पर आपने 6 डिजिट का यहाँ पर आपने पिन लगानी है। पिन लगाने के बाद आपने क्या करना है, नीचे आपने अगेन कंफर्म पिन लगानी है इसी तरह, और नीचे यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी पेमेंट पिन ऐड हो जाएगी, जब आप विड्रॉ करेंगे तो इसे आप यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। नेक्स्ट हम बैक आ जाते हैं और बात कर लेते हैं कि आपने यहाँ पर डिपॉजिट किस तरह करना है। नीचे आपको एग्रीमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, एग्रीमेंट भी कर सकते हैं, और यहाँ पर एग्रीमेंट दिखाया जाता है जो इनका एग्रीमेंट दिया गया है, और नीचे प्राइवेसी पॉलिसी है, प्राइवेसी पॉलिसी भी आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और मैं अब बैक आ जाता हूँ, और यहाँ पर मैं आपको डिपॉजिट का तरीका बता देता हूँ, और बैक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं बैक आ चुका हूँ, और यहाँ पर आपको रिचार्ज का ऑप्शन मिल जाता है और विड्रॉल का ऑप्शन मिल जाता है। तो आपने सिंपली रिचार्ज पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपने ये वाला एड्रेस कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, ट्रस्ट वैलेट में चले जाना है। तो मैं चला जाता हूँ मोबाइल स्क्रीन पर, और वहाँ से आपको ट्रस्ट वैलेट से पेमेंट सेंड करके दिखाता हूँ। एड्रेस कॉपी करने के बाद आ चुके हैं हम मोबाइल स्क्रीन पर, और यहाँ पर हम बिनांस ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास तकरीबन 100 जो ट्रॉन है वो मौजूद हैं। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं विड्रॉल पर क्लिक करते हैं, और यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर जो हमने वहाँ से एड्रेस कॉपी किया वो पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर जो हमारा नेटवर्क है वो सिलेक्ट हो चुका है, ट्रॉन TRC है, और यहाँ पर हम मैक्सिमम जो 10 TRX डिपॉजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 11 लगाते हैं क्योंकि 1 TRX यहाँ पर इनकी फ़ीस है। तो हम यहाँ पर विड्रॉल पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो जस्ट हमने विड्रॉल पर क्लिक किया तो यहाँ पर एक कंफर्म स्टेटस पेज आ चुके हैं, तो इसे हम कंफर्म करते हैं। कंफर्म करने के बाद हमने इसकी वेरिफिकेशन करनी है। अगर आप ट्रस्ट वैलेट से सेंड करते हैं तो वो बहुत ही ईजी है। यहाँ पर अगर मैं ट्रस्ट वैलेट ओपन करूँ, और यहाँ पर आपने ट्रॉन
ले आने हैं, ठीक है, ट्रस्ट वैलेट में, और सेंड पर क्लिक करके यहाँ पर जो अमाउंट एड्रेस है वो पेस्ट करना है, अमाउंट लगानी है, अमाउंट लगाने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जस्ट आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे आपको कंफर्म का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपने कंफर्म पर क्लिक करना है, आपकी यहाँ से पेमेंट सेंड हो जाएगी। तो अब मैं ये वेरिफिकेशन कंप्लीट करता हूँ और उसके बाद मैं आपको प्रूफ दिखा। तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो चुकी है, और यहाँ पर विड्रॉल रिक्वेस्ट सबमिट है और सिस्टम प्रोसेसिंग में है, और यहाँ पर विड्रॉल रिक्वेस्ट सक्सेसफुल होगी, और उसके बाद हमारा विड्रॉल जो यहाँ से पेमेंट है वो सेंड कर दी जाएगी बिनास की तरफ से। बिनास की तरफ से हमारा विड्रॉल जो है वो कम्प्लीटली हो जाएगा, ठीक है। तो व्यू हिस्ट्री पर क्लिक करते हैं और तकरीबन 10 मिनट्स वेट करना पड़ेगा, 10 मिनट्स के अंदर अंदर हमारी जो पेमेंट है वो यहाँ से सक्सेसफुली सेंड हो जाएगी। तो यहाँ से हमारी पेमेंट सक्सेसफुली सेंड हो चुकी है। तो अब मैं चला जाता हूँ पीसी पर। तो यहाँ पर मैंने 10 TRX डिपॉजिट किए हैं, मैंने आपको दिखाया है कि यहाँ पर मैं 10 TRX वहाँ से ट्रस्ट वैलेट से मैंने सेंड किए, तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे जो 10 TRX यहाँ पर डिपॉजिट हो चुके हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्हें आपने यूज़ किस तरह करना है और यहाँ पर आपने रेफरल अर्न किस तरह करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम रेफरल अर्न के बारे में बात कर लेते हैं और उसके बाद हम डिपॉजिट के बारे में बात करेंगे किस तरह आपने इसे यूज़ करना है। माई इन्वेस्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट वगैरह दिखाई जाएगी, और इसके अलावा यहाँ पर नीचे जो दूसरा ऑप्शन है ये वाला जो यहाँ पर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड, यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन डिटेल मिल जाती है। कस्टमर सर्विस पर क्लिक करके आप चैट कर सकते हैं, और यहाँ पर माई वैलेट पर क्लिक करके आप वैलेट की डिटेल वगैरह चेकआउट कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन मिल जाता है रिचार्ज रिकॉर्ड का, तो यहाँ से आप रिकॉर्ड, विड्रो रिकॉर्ड और ये सब चेकआउट कर सकते हैं, माई टीम चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर होम पेज पर अगर आएँ तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है शेयर का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको शेयर का ऑप्शन मिलता है, सिंपली आपने शेयर पर क्लिक करना है और आपको इनवाइट लिंक मिल जाएगी। यहाँ पर आपको रजिस्टर का भी ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये तो बैक आ गया ना, लॉग आउट हो गया अकाउंट। तो आपने क्या करना है, टीम पर क्लिक करना है। जैसे ही आप टीम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इनवाइट लिंक मिल जाएगी, सिंपली आपने इसे कॉपी करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, जो भी आपका दोस्त इस लिंक पर क्लिक करके इस वेबसाइट में अकाउंट बनाएगा तो आपको बैक कमीशन मिलेगा। कमीशन की डिटेल ऊपर आपको मिल जाती है, फर्स्ट लेवल से आपको 10% कमीशन मिलेगा, सेकेंड से आपको 5% कमीशन मिलेगा, और थर्ड लेवल से आपको 2% कमीशन मिलेगा। तो ये कमीशन की डिटेल वगैरह है, और नेक्स्ट यहाँ पर नीचे आपको कॉपी का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप कॉपी वगैरह भी कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको मेल वगैरह मेरी दिखाई जा रही है, ठीक है। तो आपको भी आपकी मेल वगैरह दिखाई जाएगी, ऊपर रिकॉर्ड वगैरह दिखाया जाएगा, और नीचे यहाँ पर आपको फर्स्ट लेवल के यूज़र दिखाए जाएंगे, सेकेंड और थर्ड लेवल के यूज़र दिखाए जाएंगे, ठीक है। तो ये सब आपने चेकआउट कर लेना है, और अब हम बैक आ जाते हैं। तो मैं बैक आ चुका हूँ, आप बात कर लेते हो होम पेज के बारे में। यहाँ पर होम पेज पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको फर्स्टली नोटिफिकेशन मिल जाता है, इसमें आपको डिटेल वगैरह मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको TRX और जो रेफरल कमीशन वगैरह है उसके बारे में बताया जा रहा है, तो इसे आपने रीड कर लेना है, मैं इसे कंफर्म कर देता हूँ। और यहाँ पर माई टीम का ऑप्शन है और रिचार्ज विड्रॉवल ये सब आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, रजिस्टर ऐप और एक्टिव पर क्लिक करके आप एक्टिव जो इसकी अपडेट है वो जान सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर और भी आपको ऑप्शन वगैरह मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर आपको डिटेल वगैरह मिलती है, और यहाँ पर आपको अबाउट अस मिल जाती है, अबाउट अस पर क्लिक करके आप अबाउट अस रीड कर सकते हैं, कंपनी प्रोफाइल रीड कर सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर आपको दूसरा नीचे और भी ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि प्रॉब्लम और रिस्क, यहाँ पर अबाउट अस, प्राइवेसी, ये सब आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट आपको ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आप बिल्कुल फ्री में अगर अर्निंग करना चाहते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट तो यहाँ पर आपको साइन का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ साइन मिलेंगे, ठीक है। एक साइन के बदले आपको 0.10 TRX कैश मिलेगा, तो यहाँ से आपने रोजाना इसे हासिल करना है। ऊपर आपको डेट दिखाई जाएगी, यहाँ पर आपको साइन इन का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपने सिंपली साइन इन करते रहना है, ठीक है। तो साइन इन करने के लिए यहाँ पर आपने सिंपली साइन इन पर क्लिक करना है। ये फर्स्ट 3 दिन का है, सेकेंड आपको यहाँ पर 7 दिन के बाद मिलेगा, 15 दिन के बाद मिलेगा, और यहाँ पर 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन और 50 दिन। 50 दिन बाद आपको यहाँ से 4 TRX, 4.20 TRX मिलेंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पर सिंपली साइन इन पर क्लिक करना है, जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 0.10 TRX आपको फर्स्ट डे में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपने इसी तरह रोजाना यहाँ से TRX हासिल करते रहना है। तो यहाँ पर अभी मैं आपको चेकआउट करवाता हूँ कि मुझे यहाँ पर दे सकते हैं, एक साइन मेरा कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर 3 तारीख है, और यहाँ पर डिटेल वगैरह आपको मिली है, और मुझे अमाउंट मैं आपको चेकआउट करवाता हूँ कि रिसीव हुई है या नहीं हुई। तो अभी यहाँ पर मैं अपना अकाउंट ओपन करता हूँ,
जो मैन्यू अकाउंट है वहाँ पर जाते हैं और आपको चेकआउट करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 12.10 TRX हमारे पास हो चुके हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपने जो इन्वेस्ट किया है उसे यूज़ किस तरह करना है। तो यूज़ करने के लिए यहाँ पर आपने वेल्थ पर आना है। वेल्थ पर आने के बाद आपने यहाँ पर आपको मुख्तलिफ प्लान मिलेंगे। यहाँ पर आपको ऑल प्लान मिल जाते हैं और यहाँ पर और भी आपको हॉट प्लान, इस तरह के हाई गोल्ड, इस तरह के आपको प्लान वगैरह मिल जाते हैं। जिस प्लान में आप जाना चाहते हैं सिंपली आपने उसे सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर ऑल पर रहने देता हूँ। ऑल पर यहाँ पर आपने नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर TRX क्लाउड माइनिंग, और यहाँ पर आपको 5% ट्रस्ट मिलता है। 10 TRX से आप स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आपको डिटेल वगैरह मिल रही है, ठीक है। और नीचे यहाँ पर आपको कमीशन वगैरह के बारे में भी बताया जा रहा है। यहाँ पर आपको डेली इनकम कितनी होगी ये सब आपको यहाँ पर नीचे बताया जा रहा है, ठीक है। और इस तरह यहाँ पर आपको सेकंड सी प्लान दिखाया जा रहा है और यहाँ पर बी प्लान है, और नीचे आपको 30 डेज वाला प्लान मिल जाता है जिसमें आप मिनिमम 1,000 10,000 TRX डिपॉजिट कर सकती हैं। और यहाँ पर ये जो ये वाला बी प्लान है इसमें आप 5,000 TRX डिपॉजिट कर सकते हैं, इसमें 1,000 और इसमें 10 TRX मिनिमम डिपॉजिट कर सकते हैं। तो डिपॉजिट करने के लिए आपने इन्वेस्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको मुख्तलिफ डिटेल वगैरह मिल जाएगी कि इसके ट्रस्ट रेट कितना मिलेगा, रिसेकिंग कितने दिन के बाद मिलेगी, और यहाँ पर आपको इंक्लूड अमाउंट कितनी मिलेगी। यहाँ पर आपने इन्वेस्ट अमाउंट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने अमाउंट लगानी है, सॉरी, यहाँ पर आपने अमाउंट लगानी है यहाँ पर, ठीक है। तो अमाउंट लगाने के बाद आपने क्या करना है, नीचे कंफर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो अमाउंट है वो इन्वेस्ट हो जाएगी, आपको बैक कमीशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने इस तरह यहाँ से मतलब पार्टिसिपेट करनी है प्लान में। जब आप प्लान में पार्टिसिपेट कर लेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास जो टोटल एसेट हैं वो देख सकते हैं 57 एसेट हैं, और यहाँ पर मेरे पास जो अवेलेबल बैलेंस है वो 2.10 TRX है, और यहाँ पर जो मेरे पास मैंने पार्टिसिपेट किया वो 10 TRX है। और इसी तरह यहाँ पर आपको दूसरा यहाँ पर ट्रस्ट जो है वो मुझे 45 TRX मिलेगा, और यहाँ पर इनकम मुझे अभी नहीं मिली, ठीक है। माई इन्वेस्ट पर और भी आप डिटेल वगैरह जान सकते हैं, तो यहाँ पर क्लिक करना है। तो मैं अब बैक आ जाता हूँ, अब आपको मैं वीडियो के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर मैं वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर हमने फर्स्टली एड्रेस पेस्ट करना है, तो यहाँ पर प्लीज़ सिलेक्ट वैलेट, तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड अ न्यू विड्रो वैलेट, तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने वैलेट पेस्ट करना है। तो मैं वैलेट कॉपी कर लेता हूँ, व्हाट्सएप से मेरे पास मौजूद है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो ने यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो दूसरा एड्रेस है वो पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर नीचे सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। इसी तरह आपने सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपने बैक आ जाना है और यहाँ पर आप QR कोड के जरिए भी सबमिट कर सकते हैं। अपना TRC20 TRX का जो एड्रेस है वो आपने ट्रस्ट वैलेट से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना होता है। तो मैंने वहाँ से कॉपी करके व्हाट्सअप कर लिया था और उसके बाद यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। और अब सबमिट पर क्लिक किया तो यहाँ पर ये कह रहे कि वैलेट एड्रेस ऑलरेडी एग्जिस्ट, प्लीज़ डू नॉट ट्राई अगेन। तो अब हमने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर देख सकते हैं नीचे से हमें एक ऑप्शन मिल रहा है वैलेट का। तो यहाँ पर हम सिंपली क्लिक करते हैं, वैलेट सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम 2.10 TRX लगाते हैं, ठीक है। और नीचे यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अपना पासवर्ड लगाएं, तो हम यहाँ पर पासवर्ड लगा देते हैं। ऐसे ही हमने पासवर्ड लगाया, यहाँ पर हमें एक नोटिफिकेशन देखने को मिल चुका है, विड्रो अमाउंट कैन नॉट लेस देन 10 TRX। तो हमारे पास मिनिमम 10 TRX होना ज़रूरी है और उसके बाद हम यहाँ से विड्रो कर सकते हैं। तो अगर आप कमेंट्स में रिकमेंड करते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो इससे विड्रो करके दिखाऊंगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग।